मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है, बैगर ही प्रिंस बनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है, बैगर ही प्रिंस बनेंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्याल समाप्त कर देती है, और उत्तर में बाबा ने समझाया कि यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ये विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल्प पहले भी हुआ था, पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगनी ही हैं, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। मुरली का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है, कौन सी राहें, ये राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राय पर चल रहे हैं, राय कहो, राह कहो, व श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता, तो ज़रूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़े, और तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं, यह तो जानते हो कि हम प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं कि जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवान उवाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है बैकुंठ में, तो मन मना अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण नहीं कह सकते, मध्याजी भव कह सकते हैं। मुझे याद करो, वह तो बैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं, बच्चे, यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है, वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है श्रीमत सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सभी से उत्तम है श्री बाबा श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान, श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है, श्रेष्ठ तो ज़रूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह ही नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है, सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे से ऊंचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर आदि आदि, है ना। तो बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं कि सृष्टि कैसे रची गई, इसलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला
कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं, अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी संप्रदाय, और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते हैं कि बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते हैं, मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है। पत्ते निकलते रहेंगे, इनको कोई कंट्रोल कर न सके। सत्युग में कंट्रोल है, एक बच्चा और एक बच्ची बस। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चलाते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, और फिर धंधे धौरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं, फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो वैकुंठ नाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण तो सभी का प्यारा, सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य ना समझने के कारण कह देते कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हो, और फिर विघ्न डालते हैं। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं। बांधेलियाँ कितना सहन करती हैं, तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ऐसा ही है। विघ्न पड़ गया फिर ये ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं आता। हम ऐसे नहीं कह सकते, ड्रामा अनुसार ये किया, कल्प पहले भी किया था, अब तब तकलीफ हुई। पुराने शरीर को चत्तियाँ भी लगनी ही है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है, मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही, और ताकत ना होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया। अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बैगर बनना है, फिर बैगर से प्रिंस। बाबा कहते, इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो तुमको बहुत बैकर बनना पड़े। युक्तियाँ भी बताते रहते हैं। जनक का मिसाल ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मलकियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने ये दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़ी बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़ी बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया है, इस समय यह है जगत अम्बा, और सत्युग में होगी लक्ष्मी। जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। ये बड़ी गुप्त बातें हैं ना। भगवान उवाच है सबके लिए, भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं, मामेकम याद करो।
भल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वह हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवेड फादर। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सत्यु का प्रिंस कहेंगे। भल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि वे सत्यु का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे ना। ये नॉलेज है ही भविष्य के लिए, इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वे वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उनको ही ये शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। ये बातें कहीं है ही नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी भी नहीं लगेगा, लॉ ही नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकते। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जब योग में रहें, पवित्र रहें। पवित्रता बगैर योग लगेगा ही नहीं, माया लगाने ही नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। जो विकार में जाते रहते हैं, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपना दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो, ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, तुम हो सभी कुमार कुमारियाँ तो विकार की बात नहीं। यहाँ तो विश्व पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी, भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं? कोई ने हाथ नहीं उठाया, तो यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से ये भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं कि आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद करना, मिठाई ना देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है, सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए कि हमने यह विकर्म किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना तो वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं, तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं कि हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वालों की नहीं होती, कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तब ही खुशी में रहेंगे।
कोई भी तकलीफ हो तो पूछो। बाकी ऐसे ही थोड़ी गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं। अब हम आपके पास बैठ जाते हैं, ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं। सब कहेंगे हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएं, यह भी कायदा नहीं। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मनमन अभव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे की बात नहीं। बहुत बहुत करके एक रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने ग्रस्त व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हों। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, सलाम मालिकम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, उससे पहले हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके पीछे ख्याल चले, तौबा तौबा करना पड़े, झूठ नहीं बोलना है, सच्चे पाप से सच्चा रहना है। और दूसरा पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है, ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन है, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो और कोई समा ही नहीं सकता। अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा ही नहीं सकता, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।